अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतनिया। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, वो है व्हाट इज़ क्रॉस ओवर क्लेम। क्रॉस ओवर क्लेम क्या है? इट्स नॉट नेसेसरी टू सेंड क्लेम्स थ्रू प्रोवाइडर बिलिंग सॉफ्टवेयर व्हेन क्रॉस ओवर क्लेम इज़ प्रोसेस्ड। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्टर्स is used to cross over the claim electronically to send to secondary payers. Sometimes payers not recognize crossover claims and we need to file the claims over payer portal. नाज़रीन, क्रॉसओवर क्लेम्स का क्या मतलब है? क्रॉसओवर का मतलब ये कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसमें ये आइडेंटिफाई होता है कि प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी है और सेकेंडरी इंश्योरेंस कौन सी है। प्राइमरी को भी पता है कि सेकेंडरी इंश्योरेंस उसकी पेशेंट की कौन सी है और सेकेंडरी को भी पता है कि पेशेंट की प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी है। उस केस में जब प्राइमरी इंश्योरेंस जो है वो क्लेम प्रोसेस करती है तो उसको जब अपना पार्ट पे कर देते हैं और वो ख़ुद ही पेशेंट के लिए क्लेम फॉरवर्ड कर देती है सेकेंड इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस खुद फॉरवर्ड कर देती है इलेक्ट्रॉनिकली। तो जब हमें ईआरए रिसीव हो जाती है, ईआरए के ऊपर मेंशन होता है कि क्लेम बीन फॉरवर्डेड टू द सेकेंडरी पेयर, सेकेंडरी पेयर को क्लेम जो है वो फॉरवर्ड हो चुका है, वो क्रॉस ओवर हो चुका है। उस केस में हमें जो है वो मेडिकल प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से हमें क्लेम जो है वो सबमिट नहीं करने होते, क्योंकि उस ईओबी या ईआरए के ऊपर मेंशन होता है कि क्लेम ऑलरेडी फॉरवर्डेड है। तो हम क्या करते हैं, हम उनके पोर्टल्स के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या क्लेम जो है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड हो चुका है या क्रॉस ओवर जो मेडिकेयर ने किए या कोई और इंश्योरेंस ने किए, तो क्या वो क्लेम मौसूल हो चुका है सेकेंड इंश्योरेंस को, तो वो फॉलोअप जो है हमें रिक्वायर्ड होता है। ये सारा बेस करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर पेशेंट ने अपने आइडेंटिफाई किए हैं प्राइमरी इंश्योरेंस और सेकेंडरी इंश्योरेंस को, तो उससे फिर आराम से पता चल जाता है प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी, तो क्लेम आराम से जो है वो सही तरीके से प्रोसेस होके सब पेड हो जाते हैं। अगर प्राइमरी को ये नहीं पता कि सेकेंडरी कौन सा है तो वो सिर्फ अपना पार्ट पे कर देती है और फिर हमें ईओबी प्राइमरी के अटैच करके सेकेंडरी को बिल करना होता है। तो ये ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट दोनों इंश्योरेंसेस के पास जो है वो अपडेट हो। ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो सीओबी कॉन्ट्रैक्ट है ये दोनों इंश्योरेंसेस के पास अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि पेयर जो है वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता क्रॉस ओवर क्लेम्स को, सही है। लेट्स सपोज सेकेंडरी इंश्योरेंस को मेडिकेयर ने क्रॉस ओवर किया, किसी और प्राइमरी इंश्योरेंस से क्लेम क्रॉस ओवर किए, उसने रिकग्नाइज नहीं किया कि ये क्रॉस ओवर क्लेम है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उसमें पोर्टल के ऊपर जो है हम क्लेम सबमिट कर देते हैं। ये मोस्टली मेडिकेड के केस में हम पोर्टल्स को यूज़ करते हैं, प्राइमरी इंश्योरेंस से कितना पे किया है, मेडिकेयर की तमाम तरह डिटेल हम वहाँ पर पुट कर देते हैं, अमाउंट पेड, चेक नंबर, चेक डेट वो पुट कर देते हैं, तो वो उसी टाइम पे रियल टाइम क्लेम स्टेटस में वो शो कर देते हैं कि क्लेम जो है आपका पे हो चुका है एज ए सेकेंडरी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको देखने का। इसके अलावा नाज़रीन, ड्यूरिंग पेमेंट पोस्टिंग, जब हम पेमेंट पोस्ट कर रहे होते हैं प्राइमरी इंश्योरेंस की, तो वहाँ पे हम ऑफनली देख रहे होते हैं कि क्लेम जो है वो क्रॉस ओवर हो चुका है सेकंड इंश्योरेंस को, हमें पता चल जाता है उस ईओबी से ईआरए से। जैसे मैंने पहले भी स्लाइड में ही मेंशन किया है कि प्राइमरी इंश्योरेंस के जब पेमेंट आ जाती है तो वहाँ से ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है। और ये मोस्ट केसेस में अगर देखें सेकेंड लाइन में अगर देखें, इट इज़ यूजुअली हैपन्स विद स्टेट मेडिकेयर इंश्योरेंस, मेडिकेयर के केस में होता है। मेडिकेयर जब क्लेम प्रोसेस करके एज अ प्राइमरी प्रोसेस करती है और फॉरवर्ड करती है सेकेंडरी इंश्योरेंस को, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ईआरए पोस्ट हो जाती है, क्योंकि ईआरए जो है वो जो मेडिकेयर का केस है वो इलेक्ट्रॉनिक उनका सेटअप होता है, ईडीआई सेटअप होता है, वो पेपर वगैरह क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करता, ना मेडिकेयर और ना मेडिकेड, दोनों को इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स जाते हैं। ये मेक श्योर करना है कि मेडिकेयर और मेडिकेड दोनों को हम इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स भेजते हैं, वो पेपर क्लेम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जैसे ही उनको हम अगर लेट सपोज ईडीआई सेटअप क्रिएट करते हैं तो उसके ऑटोमेटिकली हमें रिस्पॉन्स आता है ईआरए की शक्ल में, तो वो भी हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि हमें जो है वो जो ईआरएज आती है, ये पेमेंट डिटेल्स आती है, वो ईआरए की शक्ल में होती है और सिस्टम से हमें पता चल जाता है। जैसे हम पोस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर डिटेल में नीचे नज़र आ रहा होता है कि क्लेम्स बीन फॉरवर्डेड टू द सेकेंडरी इंश्योरेंस, तो वहाँ पर आपको
सेकंड इंश्योरेंस का नाम भी मेंशन होता है, उसमें लिखा होता है कि लेट्स सपोज अगर न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ला इस तरह के जो भी उनके नज़र आ रहे होते हैं मेडिकेड के स्पेशली उस केस में, तो वहाँ पे उस सेकंड इंश्योरेंस का नाम होता है। लेट्स सपोज ये भी मेंशन होता है कि क्लेम बीन फॉरवर्डेड टू AARP जो इंश्योरेंस है सेकेंडरी की, या यूनाइटेड हेल्थ केयर जो भी सेकेंड इंश्योरेंस है वहाँ पर उनका नाम भी मेंशन होता है मेडिकेयर के केस में, जब ERA हमें मौसूल होती है एज ए प्राइमरी। तो ये मेक श्योर करना है कि जब भी आपके पास ERAs मौसूल होती है तो आपने बॉटम लाइन में देखना होता है क्लेम, जो लाइन आइटम्स होते हैं उसके नीचे आपने देखना है कि क्लेम किसको सेंड हो चुका है, तो तब आपको पता चल जाता है। फिर जाके आप पोर्टल में देखते हो सेकेंड इंश्योरेंस के और पेमेंट डिटेल वहाँ से आप ले लेते हो और वहाँ पर क्लेम जो है वो बैलेंस हो जाता है, आपका जो प्राइमरी सेकेंडरी की एंट्री आप कर देते हो। नजरीन उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि उनको भी इस कंसेप्ट का समझ आ सके। और इसके अलावा कई और हमने लेक्चर्स बनाए हैं, वीडियोज़ अपलोड की है और अपने चैनल पर आप खुद भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो सकते हैं। समटाइम आप एक स्पेसिफिक टास्क पर काम कर रहे होते हैं उससे आपको उसी टास्क का ही पता होता है, आप ये समझ रहे होते मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कई और कंसेप्ट हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपको समझना। अगर आपका साल का एक्सपीरियंस है और आपको वो कंसेप्ट नहीं आते तो वो जो है वो आपका ड्रॉबैक है। तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल हमने ही बनाया इसीलिए कि इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लोग छोड़ जाते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है वो विज़िट कीजिए कि बाकी चैनल और उसमें से वीडियोज़ भी, और इसके अलावा मैंने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी स्टार्ट की उसको भी ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पर लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको उस तरह के रिसोर्स नहीं मिल रहा होता, तो वो ट्रेनिंग मैंने उन लोगों के लिए दी है कि वो जाके उस ट्रेनिंग को देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टॉपिक में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।